सुप्रभात बच्चों, आज कक्षा 6 के संस्कृत विषय के अंतर्गत मैं उपस्थित हूँ पंचम पाठ, जो कि एक कविता है उसे लेकर के। इस पाठ का नाम है वृक्षाह। ये इसके जो रचयिता हैं, कवि हैं, वो हैं डॉक्टर हर्षदेव माधव। वृक्षाह कविता में कवि ने पेड़ों के बारे में हमें बताया है कि पेड़ हमारे लिए अनिवार्य हैं। पेड़ किस तरह बिना कुछ लिए हमें कितना कुछ देते हैं, पेड़ों की ही चर्चा है। पेड़ों से ही वनों का निर्माण होता है। पेड़ जो है हमें छाया प्रदान करते हैं, और पेड़ जो है आसमान और धरती को धारण करते हैं, मिट्टी को बहने से रोकते हैं। इन सारी बातों की चर्चा कवि ने इस कविता में की है। वने वने निवसंतौ वृक्षा, वनम वनम रचयन्ति वृक्षा। वृक्ष वनों में रहते हैं। बने बने निवसंतो, निवसति बने रहता है, निवसति तो बने बने निवसंतो वृक्षा, वृक्ष वनों में रहते हैं। वनम वनम रचयन्ति वृक्षा, वनों की रचना वृक्ष यानी पेड़ करते हैं। शाखा दोला सीना विहगा, तय किमपि कूजन्ति वृक्षा। शाखाओं पर, शाखा रूपी झूले पर जो विहग अर्थात पक्षी बैठे होते हैं, तेह उनके माध्यम से किमपि शायद कूजन्ति वृक्षा पेड़ बोलते हैं, यानी पेड़ की शाखाओं पर बैठे हुए पक्षियों के माध्यम से ही पेड़ बोलते हैं। पिबन्ति पवनम जलम संततम, साधु जना इव सर्वे वृक्षा। पेड़ तो सदैव हवा और पानी पी करके रहते हैं, वो तो साधु सज्जन पुरुषों की तरह हैं, साधु जोगी आदि की तरह हैं। उन्हें हमसे बहुत कुछ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वे हमें बहुत कुछ देते हैं। स्पृशन्ति पादः पातालम च नभः शिरः सुवहन्ति वृक्षा। वृक्ष अपने सिर पे आसमान को धारण करते हैं और अपने जड़ रूपी पैरों से पाताल को पकड़ के रखते हैं, स्पर्श करते हैं। वृक्ष ही हैं जो मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, इसी बात की ओर कवि ने इशारा किया है। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः। पेड़ जो नदियों के किनारे जो पेड़ होते हैं, वो उनकी छाया बनती है, स्वप्रतिबिंबम उनकी छाया जो जल में बनती है, तो ऐसा लगता है मानो आश्चर्य से वृक्ष अपनी ही छाया को देखते हैं। प्रसार्य यानी फैलाकर स्वच्छाया अपनी छाया, संस्तरनम चादर अपनी छाया रूपी चादर फैलाकर कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षा। वृक्ष सबका सत्कार करते हैं, स्वागत करते हैं, जिस तरह हम मेहमान के आने पर, किसी गेस्ट के आने पर चादर बिछाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको आराम देने का प्रयास करते हैं, तो वृक्ष तो अपनी छाया रूपी चादर फैलाकर बिना कोई भेदभाव किए सबको जो है सम्मान देते हैं, सबका सत्कार करते हैं। धन्यवाद।